हेलो डियरेस्ट लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू यूजीसी नेट अरा 24/7 एंड आई एम योर गाइड फॉर इंग्लिश लिटरेचर प्रोफेसर ऐश्वर्यापुरी. वेलकम टू माय क्लास. आज मेरे हाथ में है एक हॉट एंड स्टीमिंग कप ऑफ कॉफ़ी. इसी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नए टॉपिक को जो है हम शुरू करने वाले हैं, कॉल्ड कल्चरल स्टडीज. सो हमने ऑलरेडी एक सीरीज अपनी जो है क्लासेस की चलाई थी, जिसमें मैंने एंग्लो सैक्सन एज से लेकर मॉडर्न एज तक के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स जो हैं आपको बताए थे. अब हम लोग जो हैं अपने कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो आजकल पेपर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, लाइक लिटरेरी थियोरी, क्रिटिसिज्म, कल्चरल स्टडीज़, इनको थोड़ा डिटेल में हम जो है कवर करेंगे. एंड देन ऑफ कोर्स देर आर अदर टॉपिक्स लाइक इंग्लिश इन इंडिया एट्सेट्रा. वंस वी आर डन थ्रू दीज यू नो माइनर टॉपिक्स, देन वी कैन स्टार्ट टेकिंग अप सम NFT टॉपिक्स. सो मैं अलग से एक सीरीज फिर आपकी चलाऊंगी, तो इन सब की प्लेलिस्ट भी अलग अलग बन जाएगी. ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिए कि आपके हमारे इस पेज पे जो है आपको प्लेलिस्ट भी इसकी सेपरेट ही मिलेगी. सेपरेट प्लेलिस्ट का फायदा जो है उठा सकते हैं. एंड एवरी टाइम यू वॉन्ट टू कवर अ स्पेसिफिक टॉपिक, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू गो टू द प्लेलिस्ट. सो फटाफट से जो हमारे पेज को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ऐसी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको यहीं पे मिलेगी. ठीक है, यूजीसी नेट एंड JRF अरारमणी 24/7 के हमारे YouTube पेज को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट से कर लें, क्योंकि आपको नेट रिलेटेड सारी जानकारी यहीं पे मिलेगी. अगर आप हमारे बैच में एनरोल कर रहे हैं तो भाई मैं बार बार रिमाइंड करवाती हूँ, इतनी बार मत करवाओ ना, कर लो ना सब लोग, प्लीज ऐड डाउनलोड कर लीजिए. ठीक है, ऐड डाउनलोड करने के मल्टीपल आपको बेनिफिट्स मिलेंगे. मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बेनिफिट है कि डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है यहाँ पे. डिस्काउंट से याद आया, आज तक हमारा टिल टुडे हमारा ये विन विन विंटर ऑफर चल रहा है. आपको मैंने बताया था ये थोड़ा उस दिन जब मैंने जब आपको बताया था इसके बारे में, तब इसमें कोई टेक्निकल इशू आया हुआ था. तो मुझे YouTube पे किसी ने बोला, मैम ये कोड नहीं लग रहा है, 80% डिस्काउंट नहीं आ रहा है. फिर मैंने उसको चेक किया, फिर मैंने अपने सीनियर से बात की, मैंने कहा सर ये तो लग ही नहीं रहा है कोड. फिर उन्होंने रातों रात उसको ठीक करवाया. तो इसीलिए क्योंकि डिले हो गया था, हमने उसको एक दिन एक्सटेंड कर दिया, बिकॉज जिस दिन मैंने आपको बताया था लास्ट फ्राइडे इसके बारे में, तब तो ये चल ही नहीं रहा था उस दिन. दैट इज़ वाई, वैसे दिस वॉज सपोज टू एंड ऑन सैटरडे नाइट संडे, बट वी हैव एक्सटेंडेड दिस ऑफर बाय वन डे सो दैट यू कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. सो इफ यू आर प्लानिंग टू एनरोल इन माई बैच फॉर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, नॉर्मली मेरा कोड है Y542, लेकिन इसके लिए मैं आपको कोड लगाना है U542. नॉर्मली कोड लगता है Y542, बट अगर 80% ऑफ चाहिए इस विन विन विंटर ऑफर से तो आपको U542 लगाना है. इसमें जो आपको हमारे सारे UGC के लाइव बैचेस हैं, चाहे पेपर वन का सेपरेट है, पेपर टू का सेपरेट है, या कॉम्बो बैच है जिसमें पेपर वन पेपर टू दोनों की तैयारी करवाएंगे, इसमें आपको मिलेंगी हमारी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, पिछले टॉपिक्स की रिकॉर्डिंग्स और करंट टॉपिक्स की लाइव क्लासेस. ये बेनिफिट जो है आपको यहाँ पे मिलेगा. ऋतु, अरे थैंक यू सो मच रितु, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच, सो सो काइंड ऑफ यू टू से. इट्स योर लव एंड योर एडमिरेशन दैट मेक्स मी व्हाट आई एम. आई एम नथिंग विदाउट यू गाइस, थैंक यू सो मच. हाँ जी सूरज, क्लास के एंड में होमवर्क को एक बार टैली कर लेंगे. मैं होमवर्क दे भी दूंगी और आपका होमवर्क चेक भी कर लूंगी क्लास के एंड में. Nowadays, cultural studies, literary theory, English in India, research, pedagogy are very important topics. Absolutely correct. हाँ, net में यूनिट से ज़्यादा सवाल आने लगे हैं. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक. चलिए कॉफ़ी की आखिरी सिप है, इसको सिप करके आज की क्लास को जो है शुरू करते हैं. ठीक है जी, आज का हमारा टॉपिक है कल्चरल स्टडीज. सो विदाउट एनी फर्दर अडू आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट. सो पहले तो मैं आपको कल्चरल स्टडीज के कुछ बेसिक्स बता देना चाहती हूँ. ठीक है, वो बेसिक्स करते हैं पहले, उसके बाद फिर हम ओवरऑल जो है अपने कल्चरल स्टडीज के मेजर टॉपिक पे आएंगे. ओके कल्चरल स्टडीज, कल्चर को इससे पहले अ वे ऑफ लाइफ से के थ्रू एक डेफिनेशन दी जाती है कि कल्चर क्या होता है. छोटे होते से बच्चों को GK की क्लासेस में, मॉरल एजुकेशन की क्लासेस में क्या सिखाया जाता है, कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ. तो कल्चर के साथ जो हमने डेफिनेशन एसोसिएट करके रखी है वो एक एस्थेटिक डेफिनेशन है. ठीक है, और
जो हमारी सोसाइटी, हम जिस तरीके से हमारा उठना बैठना पहनना गाना खाना पीना ये चीज़ें हैं, जनरली उनको हम कल्चर के साथ पहले एसोसिएट कर रहे थे. लेकिन जो 1960s का पॉलिटिकल अपहीवल है इन यूरोप, उससे कई कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस आते हैं इन आवर आउटलुक टुवर्ड्स कल्चर. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. अगर समझ लिया तो नेट के लिए ऐसे क्लियर कर लोगे इसको. बस फिर तो मेरे नोट्स ही हैं जिसमें मैं मटेरियल दूंगी, पर समझना ज़रूरी है. और मैं बता दूं, कल्चरल स्टडीज़ के आपके यूनिट में से ज़्यादा आपको जो सवाल मिलेंगे वो कंसेप्चुअल बेस्ड होंगे. इस टॉपिक से आपको बहुत सारे कंसेप्चुअल स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. ये सवालों के जवाब आप तभी दे पाएंगे अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है. तो आज की इन क्लासेस में आप लोगों ने मेरे साथ अच्छे से सुनना है, मेरे साथ सेम पेज पे रहना है. बिल्कुल जैसे सूरज ने कीवर्ड अभी अभी डाला है, आप लोग भी कीवर्ड्स डालते रहेंगे अपने अपने कमेंट सेक्शन में. ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है. मैम, इज इट सेम लाइक एज अ नॉन अकेडमी? Yeah. So absolutely, Ritu. So if you use my code and you enroll, then definitely you can watch my classes and you can join my batch. Same tarika hai yahan pe bhi. Don't worry. Same procedure. Main class ke end mein ek par aapko dikha bhi dungi code kaise apply karna hai na. Abhi to aaj discount bhi chal raha hai. Normally mere code se maximum discount milta hai 77-78% ka. Aaj raat tak enroll kar logi na baba, to 80% ka discount mil jayega Ritu. To aaj enroll karna hai to aaj raat karenge. ठीक है. हाँ जी, तो अभी तक कल्चर के साथ जो हमारी कॉनोटेशंस अटैच थी या फिर हम सोचते थे कि सोसाइटी में ऐसा क्या है जो हमारी कल्चर को कॉन्स्टिट्यूट करता है या कल्चर को इम्पैक्ट करता है. सो जनरली जो हमारे एस्थेटिक या बिहेवियरल या फिर जो हमारे सुपरफिशियल एस्पेक्ट्स हैं सोसाइटी के, अभी तक हम मानते थे ओनली दे वुड इन्फॉर्म आवर कल्चर. बट द पोलिटिकल अपहीवल्स दैट वर हैपनिंग इन यूरोप अराउंड 1960, also with the advent of post-structuralism, ठीक है, structuralism क्या कहता था कि हर चीज को आप एक structure के through जो है समझ सकते हो. तो culture को भी हमने एक box में fit in कर दिया था कि culture को समझने के लिए आप अपनी society को समझ लो, आप खाने पीने उठने बैठने गाने बजाने को देख लो, इन चीजों से culture जो है समझ आ जाएगा. लेकिन culture की definition ये बहुत ही incomplete definition थी. post-structuralism के आने से हमने ये कहा है कि post-structuralism जो है ये basically कहता है कि आप अपना जो subject matter है आप उसको एक defined box या definition में नहीं देखते, आप उसको वाइडर पर्सपेक्टिव से देखते हो. तो कल्चर को भी जो है पर्टिकुलरली इन द वर्क्स ऑफ स्टुअर्ट हॉल एंड रेमंड विलियम्स, कल्चर को फॉर द फर्स्ट टाइम जो है एक वाइडर पर्सपेक्टिव के साथ जो है एनालाइज किया जाने लगा. तो कल्चरल स्टडीज फिर क्या बन जाता है? कल्चरल स्टडीज हमारे लिए बन जाता है दैट यू नो आवर अप्रोच टू कल्चर थ्रू वेरियस सच disciplines या fields as political economy, as modes of production, as you know anthropology, sociology, audiovisual media, you know the sociological aspects of our society, including the aesthetic aspects of our society, ठीक है, इन सारी चीज़ों का mix and match, a historical view of the society, इन सब को आप mix and match कर लो तो वो सारी approaches को हम use करते हैं in order to analyze culture. ये इसको हम कहते हैं cultural studies. So cultural studies में हम culture को study कर रहे हैं. एक सेकंड, कल्चरल स्टडीज में हम अगर कल्चर को स्टडी कर रहे हैं तो उसके अराउंड जो है अलग अलग जो फोर्सेस उसको इन्फॉर्म कर रही हैं, इम्पैक्ट कर रही हैं, हम उनके इंटरनल डायनामिक्स को स्टडी कर रहे हैं. इंटरनल डायनामिक्स एंड पॉलिटिक्स को जो है स्टडी किया जाता है. तो इंटरनल डायनामिक्स पॉलिटिक्स कहाँ कहाँ के हैं? पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है, देन एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, मींस एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन,
ठीक है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एस्पेक्ट एटसेट्रा. तो हम अपनी सोसाइटी को जो है अलग लेंस से देख रहे हैं, कल्चर को अलग लेंस से समझ रहे हैं. इसके अंदर हम कल्चर के नए नए एस्पेक्ट्स को जो है स्टडी कर रहे हैं. किस तरीके के एस्पेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं? मान लो हमारा, ठीक है, मान लो हमारे कल्चर का हमारा जो मीडिया है, ठीक है, हमारा जो मीडिया है उसको स्टडी कर रहे हैं, हमारी स्पोर्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी में एडवर्टीजमेंट्स क्या रोल प्ले कर रही हैं, हम उनको भी स्टडी कर रहे हैं. ये सब चीज़ों को अब हम कल्चरल स्टडीज़ में ही पुट इन कर रहे हैं. ठीक है, हम किस तरीके से हमारी मिथ्स कैसे वर्क करती हैं, उनसे हमारी माइथोलॉजीज जो हैं कैसे क्रिएट होती हैं, हमारा ओरल नैरेटिव कैसे क्रिएट होता है सोसाइटी में, ठीक है, ये सब कुछ जो है कल्चरल स्टडीज का पार्ट जो है बन जाता है. बिल्कुल. सो हाँ जी अंकित, ऑनलाइन बैच लेना है तो क्या करना होगा? मैं अभी बता दूंगी, मैंने आपका डाउट देख लिया है. मेरी आपसे हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर आप जरा सा प्लीज वेट कर लें 15-20 मिनट में, पढ़ा लूँ मज़े से आराम से, आप भी सुनो क्लास को. क्लास के एंड में आपको बता दूंगी प्रोसीजर बैच में एनरोल करने का, और सुन ज़रूर लेना क्योंकि सिर्फ आज रात तक हम आपको 80% का डिस्काउंट दे रहे हैं, वरना आपको 77-78% का डिस्काउंट ही मिलता है. आज रात तक एनरोल कर लोगे तो 80% का मिल जाएगा, तो सुन ज़रूर लेना. ठीक है, बिल्कुल मनीष, इस बार सवाल आया था CCS के ऊपर, वो भी आज अभी नोट्स में आपको मेरे दिख जाएगा, वो मेरे नोट्स में से ही है वो वाला क्वेश्चन. ठीक है, तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी को पहले जो है नहीं स्टडी किया जा रहा था, आप स्टडी कर रहे हैं. पहले इनको स्टडी किया जा रहा था फॉर देयर एस्थेटिक वैल्यू, ठीक है, फॉर हाउ इट इंपैक्ट्स आवर लाइफ, हाउ इट इंपैक्ट्स आवर सोसाइटी, पहले यही देखा जा रहा था. अब हम देख रहे हैं कि हमारी पॉलिटिक्स कैसे इनको इंपैक्ट करती है, हमारी साइकोलॉजी कैसे इनको इंपैक्ट करती है, हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसे इनको इंपैक्ट करती है, हमारी सोसाइटी अगर कैपिटलिस्ट है तो उसमें किस तरीके की एडवर्टीजमेंट्स बन रही है, अगर हमारी सोसाइटी सोशलिस्ट है तो किस तरीके की एडवर्टीजमेंट्स बन रही है, अगर एक सोसाइटी इस तरीके से, अगर एक सोसाइटी में जो मेजॉरिटी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो अगर एक कैपिटलिस्ट वेंचर में है तो उसका हमारी कंट्री के मास मीडिया पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, ये सारे इंटरजेक्शंस. तो एक्चुअली दिस इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड, ठीक है, ये मल्टीडिसिप्लिनरी हो जाता है. आपने बहुत सारे डिफरेंट डिसिप्लिन्स को मिक्स एंड मैच किया है, ट्रांसफ्यूज किया है एक दूसरे के साथ, ठीक है, तब जाके हमारा कल्चरल स्टडीज निकलता है. ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. तो अब हम जरा एक बार शुरू करते हैं टॉप से, एक ऐसे हमारे क्रिटिक जिनसे हम कहते हैं सही मायने में शुरुआत होती है हमारे कल्चरल स्टडीज की, स्टुअर्ट मैकफेल हॉल, जिनको हम कॉमनली स्टुअर्ट हॉल के नाम से भी जानते हैं. इस बार इनका एक सवाल आपके एग्जाम में भी आया था. कौन सा सवाल था? ऑब्वियसली अगर मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिया होता तो ये हम उस चीज को जो है उस टाइम कवर कर ही लेते. क्या सवाल था? ही वॉज द इंचार्ज ऑफ द CCCS. क्या फुल फॉर्म है इसका? इस बार ये आपके पेपर में भी आया था, CCCS बर्मिंगम का फुल फॉर्म बता दीजिए मुझे, क्योंकि जिस जिसने इस बार नेट दिया है कुछ लोगों का क्लियर भी हुआ है, तो बताएंगे जरा क्या फुल फॉर्म है इसका. स्टुअर्ट हॉल इज अ जमैकन, ही वॉज बॉर्न इन जमैका. In 1968, he took over the charge as the acting director of the CCS in Birmingham. And in 1972, he was appointed the director of the department. While acting as the director, उन्होंने जो भी contribution दिया इस center को, वो हमारा foundation बनता है for the future studies of cultural studies. हाँ जी, सेंटर ऑफ कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज, वेरी गुड मनीष, सेंटर ऑफ क्या है? सब लोग लिखो, सब लोग आंसर को कॉपी करो, एक एक बार सब लोग लिख लो इस बार के नेट के एग्जाम में, क्योंकि आया था सेंटर ऑफ कंटेम्प्रेरी कल्चरल
स्टडीज, सब लोग एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देंगे इसको, ठीक है ना, याद हो जाएगा आप लोगों को साथ के साथ ही। इसका चार्ज कब लिया था, ये ईयर भी हमारे लिए याद करना इंपॉर्टेंट है, 1968 में एज द एक्टिंग डायरेक्टर और चार साल बाद 1972 में एज द डायरेक्टर। इनिशियली उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो मार्क्सिस्ट थी, मार्क्सिज्म में बिलीव करते थे, ठीक है। तो फिर इसका मतलब मैंने आपको क्या बोला, इससे पहले कल्चर को सिर्फ एस्थेटिक सेंस में एनालाइज किया जा रहा था, ये बैठे एक मार्क्सिस्ट थियोरिस्ट, ठीक है। तो जब इन्होंने अपनी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी कल्चर को स्टडी करने में लगाई तो कल्चर को पहली बार नए नए लेंसेज से देखा गया, कल्चर को जो है मोड ऑफ प्रोडक्शन के लेंस से देखा गया, कल्चर को जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी से समझा गया, कल्चर को जो है हमारी यू नो वर्ल्ड और नेशनल इकोनॉमी के लेंस से समझा गया, कल्चर को जो है हमारे फिनिश्ड गुड्स एंड प्रोडक्ट्स एंड हाउ अ सोसाइटी ऑपरेट्स विद दैट, उस एस्पेक्ट से समझा गया। तो इन्होंने वो लेंस से कल्चर को स्टडी और एनालाइज किया जो इससे पहले नहीं किया गया था, बिकॉज ये खुद एक मार्क्सिस्ट थे, तो इन्होंने अपनी वो पॉलिटिकल जो इकोनॉमिक थ्योरी है वो सारी की सारी उठा के कल्चर पे लगा दी। उनका पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो है इस फील्ड में दैट केम विद एसोसिएशन ऑफ रिचर्ड हॉगार्ट एंड रेमंड विलियम्स। इनकी खुद की इंस्पिरेशन इन दोनों फेमस कल्चरल थियोरिस्ट से आती है, रिचर्ड हॉगार्ट एंड रेमंड विलियम्स। ऑल्सो हिज रीडिंग ऑफ माइकल फूको मोटिवेटेड हिज वे into postulating theories on culture, particularly its association with the issues of race and gender. Very important. ये बात याद रखना कि he was this one theorist जिन्होंने culture को ना कि सिर्फ जो है एक cultural aspect से, unilateral aspect से, but इसको जो है multilateral aspect से जो भी है analyze किया, particularly through the lens of race. Why? Because he himself was a Jamaican. He himself was a Jamaican and immigrant in England. So he was aware of the implications of that. He was aware of the implications that race has on cultural theory. ठीक है, तो जो लेंस और किसी के पास नहीं था वो इनके पास था, क्योंकि ये खुद एक इमिग्रेंट थे। इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके रेस कल्चरल स्टडीज को रेस के एस्पेक्ट से भी स्टडी किया, जेंडर के एस्पेक्ट से भी स्टडी किया, और इन दोनों ही लेंसेस की जो इंस्पिरेशन है वो इनको मिलती है फ्रॉम नन अदर देन माइकल फूको, जो ऑलरेडी इस फील्ड में, इन फील्ड्स में अपनी क्रिटिकल थ्योरी पोस्टुलेट कर चुके थे। ठीक है जी, ध्यान रखना इस बात का। He also came to be associated with the Black Arts Movement. याद रखो, ये full form आ सकती है अलग से, पूछा जा सकता है Black Art Movement के साथ इनमें से कौन से जो है writer या कौन से critic associated थे। ठीक है, तो Black Arts Movement 1960s और जो 70s की थी, ये जो था basically Black Arts Movement, it was to promote the spirit of cultural and artistic development in the immigrants. ठीक है, जो इंग्लैंड वगैरह में और अमेरिका में जो इमिग्रेंट्स थे उनको प्रमोशन मिले, पुश मिले आर्टिस्टिक क्रिएशन का, उनके लिए एक रेनेसां मूवमेंट बने, ठीक है, ब्लैक आर्टिस्ट के लिए। तो इनका एसोसिएशन उस मूवमेंट के साथ भी रहा। ही वॉज ऑल्सो द फाउंडिंग चेयर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल विजुअल आर्ट्स एंड ऑटोग्राफ ABP एंड एसोसिएशन ऑफ ब्लैक फोटोग्राफर्स। सो प्लीज़ याद रखो, ये सवाल आपका अलग से ही बन सकता है कि इनमें से कौन सा कल्चरल थियोरिस्ट है जिसने रेस और कल्चरल स्टडीज़ के एस्पेक्ट्स को कंजॉइन करके जो है एनालाइज किया था। तो आप याद रखेंगे स्टुअर्ट हॉल, क्योंकि वो खुद भी एक हमारे इमिग्रेंट थे। He was very important. He was also the founder of the New Left Review. अब पता है क्या हो रहा है? आपका एक यूनिट है, यूनिट 10, उसमें रिसर्च मेथड्स एंड मेथडोलॉजीज, रिसर्च मटेरियल्स एंड मेथडोलॉजीज इन इंग्लिश करके आपका एक यूनिट है, 10वां यूनिट, 10th यूनिट। बड़ा ही ज्यादा ट्रिकी और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग यूनिट है वो। उसका रीज़न ये, उसमें कुछ बेसिक पोर्शन जो है वो तो आपका जो पेपर वन वाला रिसर्च वाला टॉपिक है वहाँ से कॉपी हो जाता है, लेकिन उसके बाद ये लोग इसमें काफ़ी सारे सवाल डालते हैं अबाउट दीज लिटरेरी जर्नल्स, कि आपको चार जर्नल्स दे दिए जिसका आपने दुनिया में कभी नाम नहीं सुना होगा, कंटेम्प्रेरी जर्नल्स हैं, आपसे पूछेंगे उनको मैच द फॉलोइंग करो कि ये किस किस टॉपिक के रिगार्डिंग है, इनमें से कौन सा जेंडर स्टडीज़ का, इनमें से कौन सा एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर का है, इसमें से जो कौन सा है मार्क्सिस्ट लिटरेचर का है,
है, ऐसे ऐसे करके बड़े क्रिटिकल डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो कहीं पे भी अगर हमें ऐसा कोई राइटर हमारा फेमस दिखता है जिसने किसी एसोसिएशन रखा है किसी लिटरेरी जर्नल के साथ, हमारे लिए वो एक बेस बन जाता है अपनी आगे की तैयारी करने का। तो मैंने पर्टिकुलरली वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ आप लोगों के लिए डाली है, ठीक है ना। सो द न्यू लेफ्ट रिव्यू 1960 के फाउंडर थे ये, इट वॉज अ बाई मंथली पोलिटिकल एकेडेमिक जर्नल, बाई मंथली था, महीने में दो बार आ रहा था, ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन बन सकता है, पोलिटिकल एकेडेमिक जर्नल था। ये भी बहुत जरूरी है बिकॉज मैच तो कॉलम आते हैं आपके इस तरीके के, ये फलाना फलाना चार आपके जो है आपके जर्नल्स हैं, ये किस किस थीम पे बेस्ड हैं, वो भी आपका क्वेश्चन बनता है, कवरिंग सच टॉपिक्स एज पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, कल्चर एटसेट्रा। ये जो न्यू लेफ्ट रिव्यू था ये एक्चुअली दो पुरानी एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग मैगजीन्स या जर्नल्स का मिक्स से बना है। द न्यू लेफ्ट रिव्यू इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड लेफ्ट रिव्यू एंड द न्यू रीजनर, ठीक है। ये दो ऑलरेडी सर्वाइविंग मैगजीन्स थी, उनको मर्ज करके जो है ये एक नए जर्नल को क्रिएट किया गया था। यूनिवर्सिटीज एंड लेफ्ट रिव्यू तो स्टुअर्ट हॉल ने ही अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ऑक्सफोर्ड में शुरू की थी, और द न्यू रीजनर जो है वो थॉमसन और सेविल का एक कम्युनिस्ट जर्नल था। तो इन दोनों को मिक्स करके जो है इन्होंने इस तरीके का एक नया जर्नल क्रिएट किया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। माव्या कोई बात नहीं बेटा, ज्वाइन कर लो, इट्स ओके। अब समझते हैं स्टुअर्ट हॉल के कुछ मेजर आइडियाज को कि सेंट्रली इन्होंने जो है किस तरीके के आइडियाज एक्सपाउंड किए थे। ये सेंट्रल आइडियाज आपके लिए जरूरी हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड what basically he meant by his own understanding of cultural studies. So he believes that defining cultural studies would be counterproductive as it would restrict any potential ideas on the same. वो कह रहे हैं when we go out to define something, we are actually limiting its prospects. Because हर इंसान अपने individual perspective से किसी चीज़ को define करने की कोशिश करता है, हर इंसान जो है वो मल्टी डायरेक्शनल मल्टी डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाता। सो वंस अ पर्सन गोज आउट टू डिफाइन समथिंग, इट ट्राइज टू डिफाइन समथिंग, देयर विल ऑलवेज कम अ सेट ऑफ लिमिटेशंस विद इट। सो ही सेज दैट एट वन पॉइंट वी आर सेइंग दैट कल्चरल स्टडीज का जो एरिना है उसको वाइडन अप करना है, दूसरी तरफ बाय यू नो ट्राइंग टू डिफाइन इट वी आर ट्राइंग टू पुट इट इन अ बॉक्स। सो ही सेज दिस इज काउंटर प्रोडक्टिव। सो दिस इज एज यू अंडरस्टैंड अ वेरी पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आइडिया। मैंने आप लोगों को बोला था दैट वन ऑफ द रीजंस दैट कल्चरल स्टडीज को इस तरीके से देखा जाने लगा वाज बिकॉज इस पीरियड में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म शुरू हो चुका था। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहता है आप किसी भी चीज़ को बॉक्स में नहीं फिट कर सकते हो। एक्चुअली कोई बाउंड्री कोई बॉक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कोई बाउंडेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, सब कुछ फ्री फ्लोटिंग है, साइन फ्री फ्लोटिंग है, ऑल ऑफ दैट। वो सब भी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब मैं आपको स्ट्रक्चरलिज्म पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म बताऊंगी। बट देन इन्होंने यही सेंट्रल आइडिया जो है यहाँ कॉपी किया है। वो कहते हैं कल्चर इज फ्लूइड, इट इज एवर फ्लोइंग एंड कैन नॉट बी कंटेन्ड इन अ सिंगल कंटेनर और जार। वो कह रहे हैं कल्चर कोई हमारी डेफिनेशन हमारी लिमिटेशन बाउंडेशन का मोहताज थोड़ा ना है कि हमने उसको ऐसे डिफाइन कर दिया तो कल्चर ऐसे बन गया, हमने उसको वैसे डिफाइन कर दिया तो कल्चर वैसे बन गया। कह रहे नहीं, कल्चर तो फ्लूइड होता है, कल्चर एवर चेंजिंग है, एवर इवॉल्विंग है। आज एक चीज का कल्चर है, कल दूसरा कल्चर आ जाएगा, तो कल्चर तो फ्लो करता रहता है। इसको डिफाइन करके हम खुद को अपनी सोसाइटी को कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। कल्चर ही सेज इज इंडिविजुअल, इट इज वेरी मच अ पर्सनल कॉन्सेप्ट, इट इज अबाउट हाउ एन इंडिविजुअल परसीव्स हिज कल्चर। सो एवरी पर्सन दैट यू गो टू यू आप मैं दस अब दस लोग आप लोग हैं, मैं आप सबसे एक सवाल पूछती हूँ, आपके हिसाब से हमारा इंडियन कल्चर क्या है बताइए। मान लो आई एम एन इंग्लिश गर्ल स्टैंडिंग बिफोर यू, आई हैव कम फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है, माय नेम इज नॉट ऐश्वर्या, माय नेम इज एशली, ठीक है, एंड आई एम आस्किंग यू दैट इफ यू कुड रियली टेल मी व्हाट इंडियन कल्चर इज ऑल अबाउट। सो मैं आप सबकी डेफिनेशन जानना चाहती हूँ, आपके हिसाब से इंडियन कल्चर क्या है जो आप एक एक्स वाई जेड एलियन को बताओगे। हाँ जी बताइए जी, एक एक करके सब अपनी अपनी डेफिनेशन देंगे। वेट कर रही हूं मैं, इंडिविजुअली मुझे बताइए जरा कल्चर की डेफिनेशन क्या है आपके लिए। हाँ जी, ये नेट की क्लास है देवेश, यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2, ठीक है, 3 PM दिस क्लास हैपेंस।
शॉर्ट स्टोरीज के डेफिनेशन है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इज दैट योर डेफिनेशन? आई एम वेटिंग फॉर योर डेफिनेशंस. मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है भाई, जवाब दो. आपके हिसाब से डिफाइन करो इंडियन कल्चर क्या है, भारतीय सभ्यता. भारतीय सभ्यता हम करते हैं, क्या है आपके हिसाब से भारतीय सभ्यता, जानना चाहती हूं मैं. आंसर नहीं आया किसी का अभी तक. ये लैग आ रहा है बीच में, आप लोग आंसर ही नहीं कर रहे हो भाई, क्या चल रहा है? हाँ मैं चेयर लेके बैठ जाऊं तब तक? किसी का भी आंसर नहीं आया, व्हाट इज हैपनिंग? अरे डाइवर्सिटी इन इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर आपके हिसाब से डाइवर्स है, मिथत के हिसाब से मल्टी कलर्ड है. सब तीनों ने डाइवर्सिटी एक ही पॉइंट बोल दिया, बस यही है भारतीय सभ्यता, डाइवर्सिटी बस यही है भाई. वी बिलीव इन सोशल नॉर्म्स, एथिकल वैल्यूज, ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड बिलीफ सिस्टम्स. इंडिविजुअल कल्चर, एवरी स्टेट डिफरेंट, डिफरेंट ट्रीज ड्रेस डिफरेंट रीजन, सो वी कॉल इंडिविजुअल कल्चर एंड डायनामिक प्रोसेस. लॉट्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट ज्योग्राफी इन नेचर. आप लोग सवाल नहीं समझे. ये तो मुझे भी पता है डाइवर्स है, बट ओवरऑल हम अगर देखें कि एक वो क्या चीज़ है जो हम सबको कंबाइन करती है, कुछ तो ऐसा होगा ना जो पूरे भारतवर्ष में एक जैसा होगा. ठीक है, कुछ तो ऐसा होगा ना जो पूरे भारतवर्ष में एक जैसा होगा. चलो जैसे रानी का आंसर अच्छा है, डिसिप्लिन. हमारे यहाँ पे डिसिप्लिन की बहुत वैल्यू है. इंडियन कल्चर में जैसे है कि बड़ों का आदर करो करो, है ना. जो बाकी के कल्चर्स में आप देखोगे, लोग अपने फ्रेंड्स के मम्मी पापा को नाम से बुलाते हैं, मिस्टर एडम्स, मिसेस एडम्स, मिस्टर विलियम्स, मिसेस विलियम्स. हम लोगों को अंकल आंटी चाचा चाची करके बुलाते हैं, मासी करके बुलाते हैं. ठीक है, ये सब ये क्या है भाई, ये अनेकता में एकता, ये क्या डाइवर्सिटी चल रही है? आप लोगों ने बस ये इंडिविजुअल वाला ये सारा पॉइंट पढ़ा तो आपको लग रहा है अब ये आंसर होना चाहिए. मॉरल वैल्यूज हैं, बिल्कुल ठीक है ना. वो लोग क्या करते हैं, अपने इन लॉज को नाम से बुलाते हैं. अगर एक हस्बैंड वाइफ हैं तो वो अपने इन लॉज को नाम से बुलाएंगे. हमारे यहाँ पे जो है मम्मी पापा करके बुलाते हैं. तो काफी हमारी ऐसी चीजें हैं जो अलग हैं, जो इंडियन कल्चर को स्पेसिफिक है. वो आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी चले जाओ, वो पूरे इंडिया में कॉमन ही रहेंगी. ठीक है ना, तो इसी तरीके से कल्चर ना इंडिविजुअल होता है. अब किसी से आप पूछोगे कि भाई बड़ों का आदर करने से इंडियन बनते हैं, वो बोलेंगे नहीं. ठीक है, ये कई घरों में सिखाया जाता है, पर ये हर घर की वैल्यू नहीं है, हर घर में नहीं बड़ों को इज्जत करना सिखाया जाता, वो इंडियन कल्चर का पार्ट नहीं है. तो ही सेज इट इज अ वेरी वेरी पर्सनल चॉइस ऑफ हाउ यू वुड लाइक टू डिफाइन कल्चर, बिकॉज अल्टीमेटली योर ओन आइडियोलॉजीज गवर्न और इन्फॉर्म योर नेचर एंड नॉलेज ऑफ कल्चर. आप कल्चर को कैसे समझ रहे हो, देख रहे हो, परसीव कर रहे हो, वो आपके इंडिविजुअल आइडियोलॉजीज पे काफी ज्यादा जो है डिपेंड करेगा. He moves a step ahead Gramsci in claiming that social and political consent as a cultural product is not the only element worth studying in cultural studies. Ab Gramsci, Antonio Gramsci ne bahut important concept diya tha of hegemony. Remember? Ye sawal again NFT topic hai, ye net mein 100 baar alag alag tarike se pucha gaya hai. Gramsci and his concept of hegemony NFT है हमारे लिए, और अलग अलग तरीके से नेट में जो है इसको पूछा गया है ओवर द ईयर्स. जरूर आप लोगों ने पढ़ना है, प्रॉब्लम आज होमवर्क भी आपको इसी टॉपिक पे दे दूंगी. हेजीमनी जो होता है वो होता है आइडियोलॉजिकल, ठीक है, अनकॉन्शियस कंसेंट, जो एक ऑप्रेस देता है अपने ऑप्रेसर को टू सब्जुगेट हिम. इट इज दैट अनकॉन्शियस आइडियोलॉजिकल कंसेंट दैट इज ग्रांटेड बाय अ सब्जेक्ट टू हिज ऑप्रेसर टू बी ऑप्रेस्ड टू बी सब्जुगेटेड बाय हिम. ठीक है, इसको कहते हैं हेजीमनी. तो हेजीमनी किस तरीके से हमारी सोसाइटी या कल्चर के स्ट्रक्चर्स या इंस्टीट्यूशंस को इंपैक्ट करती है या गवर्न करती है, वो ग्रामसी ने अपने वर्क्स में जो है एनालाइज किया है.
तो स्टुअर्ट हॉल उससे एक स्टेप आगे बढ़ के जो है बात करेंगे. ही सेज दैट इट मस्ट ऑल्सो बी स्टडीड हाउ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कल्चरल प्रोडक्शंस. वो कह रहे हैं आप सिर्फ, क्योंकि ये यहाँ पे सारा, जब हम एल्थूजर को पढ़ते हैं, ग्राम्सी को पढ़ते हैं, तो हम सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स और सुपर स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, ठीक है, आइडियोलॉजिकल एपरेटिस की बात करते हैं, स्टेट एपरेटिस की बात करते हैं. ये सब जो मैं मार्क्सिज्म आपको पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है. तो वो कह रहे हैं सुपर स्ट्रक्चर वक्चर ये कैसे हमारे कल्चर को इन्फॉर्म कर रहे हैं, ये तो चलो ठीक है, पर ये भी तो देखना चाहिए इंडिविजुअल्स कैसे जो है कल्चरल कॉन्सेप्ट्स या फिनोमिना प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग है, हर इंडिविजुअल की अंडरस्टैंडिंग कल्चर की अलग है. तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो वेरिएशन आ रही है वो हमारे कल्चर को कैसे इंटरनली डायनामिकली, ठीक है, इन्फॉर्म कर रही है, इंपैक्ट कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, वो भी देखने वाली बात है. ऑल्सो एज अ डिसिप्लिन ऑफ स्टडीज इट मस्ट प्रोड्यूस पोलिटिकल एक्शन रादर देन कोल्ड थियरीज. वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको क्या बोला था, पहले कल्चरल स्टडीज को सिर्फ उसकी एस्थेटिक वैल्यू से देखा जाता था, अब कल्चरल स्टडीज को और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के थ्रू एनालाइज किया जाने लगा. फॉर एग्जाम्पल द पोलिटिकल इकोनॉमी. तो कैसे हमारी जो, हमारा जो कल्चर है, इट रादर एंजेंडर्स पोलिटिकल एक्शंस इन द सोसाइटी, ये भी जो है बहुत बड़ी समझने वाली बात है. जैसे कि जब तक हम मीडिया को नहीं समझेंगे, मीडिया हाउसेस के वर्किंग डायनामिक्स को, इंटरनल पॉलिटिक्स को, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को नहीं समझेंगे, तब तक नहीं हमें समझ आएगा कि कैसे जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो कितने 100 करोड़ लोगों पे एक टेलीकास्ट करके कैसे अपना जाल बिछाती है, कैसे जो है हवा पलट जाती है, ठीक है, कैसे रातों रात जो है सरकारें बदल जाती हैं मास मीडिया से, जर्नलिज्म से, मल्टी मीडिया से, कैसे. कुछ तो ऐसा होता होगा ना, कुछ तो उसके अंदर ऐसे एक पॉलिटिकल एंगल होता है जो इससे पहले नहीं स्टडी किया जा रहा था, अब स्टडी किया जा रहा है. करोड़ों करोड़ों के, अरबों के बिजनेसेस एडवर्टीजमेंट्स पे चलते हैं. एडवर्टीजमेंट्स ऐसा क्या आपको हिप्नोटिज्म करती है आप पे, तो उसमें आपका बिहेवियरल साइकोलॉजी भी आ गया, उसके अंदर आपका जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी भी आ गया, उसके अंदर आपकी पॉलिटिकल थियरी भी आ गई, उसके अंदर आपकी एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी भी आ गई. ये सारे डिफरेंट फैसेट्स ऑफ डिसिप्लिन और फील्ड्स को मिक्स करके हम कल्चर को स्टडी करते हैं, तब जाके हम बता सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट्स ऐसा क्या करती हैं जो इतने 100 करोड़ लोगों को एक साथ इम्पैक्ट कर पाती हैं. तो ये सब एस्पेक्ट्स जो हैं स्टुअर्ट हॉल ने अपने वर्क के थ्रू एनालाइज करने की कोशिश की थी. अब इनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो आपको नेट के लिए जो है पता होना चाहिए, वो है एनकोडिंग और डीकोडिंग का. कविता मैम, नेट वाला कोर्स टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग के लिए इनफ है क्या? कौन सा टीजीटी? कविता कौन सा टीजीटी प्लीज बता दीजिए, बहुत सारे टीजीटीज हैं. और कोर्स के बारे में कुछ लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, मैं बता दूं, देखो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा हमारी एप्लीकेशन का, वीडियो के नीचे एप्लीकेशन का लिंक है, उस पर क्लिक करो, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पर आप डायरेक्ट हो जाओगे, वहां से आप जा सकते हो हमारी एप्लीकेशन खोलना, ठीक है. एप्लीकेशन खोल के ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना, ऑल कोर्सेज यूजीसी, यूजीसी नेट, हमारे सारे जो कोर्सेज इस वक्त रनिंग है आपको यहां दिख जाएंगे. जैसे मेरा कॉम्बो बैच है, अभी कोई पूछ रहा था कोर्स में कैसे एनरोल करना है, वो प्रोसीजर बता रही हूँ. और डिस्काउंट कूपन कैसे लगाना है वो भी आपको बता रही हूँ, डिस्काउंट कूपन कैसे अप्लाई होगा, ठीक है. तो ये देखो 22,000 रुपए का ये कोर्स है कॉम्बो, इस पे आपको 80% डिस्काउंट मिल रहा है सिर्फ आज रात तक. एनरोल करना है तो आज रात तक कर लेना, प्रोसीजर बता देती हूँ. बाय नाउ पे क्लिक करो, एंटर कूपन कोड की जगह आई है, यहाँ पे कूपन कोड एंटर करना है मेरा U542, मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है, U542. ये देखिए, अरे कहाँ गया, ये देखो U542 कोड आपने एंटर किया, ठीक है. पहले ये कोर्स, ये कोड लगा के 22,000 का कोर्स आपको 5,000 का मिलता था, अब देखो कितने का मिल रहा है, 4,300 का, 4,400 का पड़ा, 600 रुपए और बच जाएंगे. तो अगर आप लोग एनरोल करने का सोच रहे थे आज रात तक कर लो भाई, क्योंकि आप 600-700 रुपए अपने बचा लोगे, एप्लीकेशन पे इससे भी सस्ता मिलेगा, तो वहां पे 700-750 रुपए आपके जो है बच जाएंगे. तो जरूर मौके का फायदा उठाओ, 80% डिस्काउंट है आज रात तक, विन विन सेल है हमारी. कोड मैंने आपको दिखा दिया क्या लगेगा, U542, जिसने एनरोल करना था वो इस प्रोसीजर से कर सकता है, ठीक है जी. चलो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक एनकोडिंग डीकोडिंग. हाँ जी,
नहीं, नेट वाला कोर्स, हाँ मतलब नेट में एक्चुअली अप्रोच अलग रहती है कविता, टीजीटी पीजीटी में अलग रहती है, साथ में नहीं कर पाएंगे इनको, ठीक है ना? हाँ जी, एनकोडिंग डिकोडिंग को इन्होंने रिसेप्शन थ्योरी भी बुलाया है. एनकोडिंग डिकोडिंग क्या है इनके लिए? इन्होंने इसका दूसरा नाम रखा है द रिसेप्शन थ्योरी. इट ऑफर्स थियोरेटिकल अप्रोचेस ऑफ हाउ मीडिया मैसेजेस आर प्रोड्यूस्ड एंड इंटरप्रेटेड. लाइक आई सेड, इससे पहले मीडिया को आप सिर्फ जो है एक फिनोमिनन या फिर एक स्ट्रक्चर की तरह देख रहे थे. अब आप उसकी जो है साइकोलॉजी, उसके इंटरनल डायनामिक्स, उसकी पोलिटिकल सिस्टम्स को भी डीपली एनालाइज कर रहे हो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि मीडिया कैसे इतने लाखों करोड़ों लोगों को एक एक झलक में इम्पैक्ट कर पाती है. सो द मॉडल सजेस्टेड दैट देर आर फोर स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस विद इन मीडिया. कि मीडिया का जो मैसेज क्रिएशन है, मीडिया जब अपना कोई मैसेज पुट थ्रू करती है अपने मीडिया से, अपने मीडियम से लाखों करोड़ों लोगों तक, तो उसमें असेंशियली चार स्टेप्स का इन्वॉल्वमेंट होता है: प्रोडक्शन, सर्कुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन, या फिर एंड देन रिप्रोडक्शन. प्रोडक्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैसेज. जो भी आइडिया मीडिया के थ्रू कन्वे होना है, जो भी न्यूज़, चाहे वो एक एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल के फॉर्म में हो, चाहे वो रेडियो पे एक रेडियो शो की तरह हो, चाहे वो टीवी पे एक टीवी शो की तरह हो, चाहे वो एड की तरह हो, जैसे भी है, आपका वो एक मैसेज बन जाता है. वो रिटन भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो भी हो सकता है, लिटरेरी भी हो सकता है. आजकल मेटावर्स आ गया है, मेटावर्स में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है? सो मैसेज बिगिंस. फिर होता है उसका सर्कुलेशन. ऑडियंसेस रिसीव अ मैसेज एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस देम. सो वो जो मैसेज है वो ऑडियंस तक पहुंच जाता है उस मीडियम के थ्रू, जो भी मीडियम है, ऑडियो है, वीडियो है, इंटरनेट है, मेटावर्स में है, जैसे भी है, वो अब तक मैसेज पहुंचा. फिर है डिस्ट्रीब्यूशन. अ मैसेज हैज़ बीन अडेप्टेड एंड रियलाइज्ड. वंस द ऑडियंस सीज द मैसेज, हियर्स द मैसेज, फिर वो उनके अंदर जाके चेंजेस क्रिएट करता है, ठीक है? ऑडियंस के अंदर जाके वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, उसको कंजम्पशन कह रहे हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिप्रोडक्शन. द एनकोडर प्रोड्यूसेस अ न्यू मैसेज अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट्स ऑन द ऑडियंस. वंस एक बार एक इम्पैक्ट आया ऑडियंस पे, ऑडियंस के अंदर थोड़ा सा चेंज आया, अब वापस नया मैसेज क्रिएट होगा, ठीक है? अब वापस ऑडियंस में चेंज आएगा, इस चेंज के बेसिस पे नया मैसेज क्रिएट होगा, फिर से चेंज आएगा, फिर से इस तरीके से हम सो ऑन एंड सो फोर्थ आगे आगे जंप करते रहते हैं. सो बाय द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड हमारी जो ऑडियंस है उसके अंदर एक मॉन्यूमेंटल अमाउंट ऑफ चेंज आ जाता है. तो ये जो ये सवाल है कि रातों रात जो है न्यूज से, एडवर्टीजमेंट से सरकारें पलट जाती हैं, सरकारें बन जाती हैं, ये क्या कैसे होता है? मैं आजकल रिसेंटली आई हैव बीन वॉचिंग द शो ऑन नेटफ्लिक्स कॉल्ड हैरी एंड मेगन, जिसके अंदर प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल ने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री जो है सीरीज डॉक्यूमेंट की है, जिसमें बेसिकली दे आर ट्राइंग टू सेंड आउट देयर मैसेज कि क्यों उन्होंने जो है रॉयल फैमिली से अपना एग्जिट ले लिया था. तो उसमें काफ़ी सारे थियोरिस्ट वगैरह लोगों को भी बुलाया होता है अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए. तो उसमें वो लोग बता रहे थे कैसे जो ब्रिटिश मीडिया है वो पूरी रॉयल फैमिली कैसे उनकी कठपुतली है, क्योंकि रॉयल फैमिली जो मोनार्की है इंग्लैंड की, उसके पास खुद का पैसा कमाने का कोई इस वक्त मैकेनिज्म नहीं है. जो ब्रिटिश टैक्स पेयर है उसके पैसे से एक अमाउंट जो है ब्रिटिश मोनार्कीकल रॉयल फैमिली को जाता है, जो उनको उनके जो लाविश लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करके रखने के लिए. तो बिकॉज वो लोगों से पैसा ले रहे हैं अपने सस्टेनेंस के लिए, अब वो कठपुतली हैं ब्रिटिश मीडिया के. तो वो जो आपने देखा होगा कि प्रिंस विलियम है, केट है, ये लोग कहीं गए, अफ्रीका गए, वहाँ बच्चों के साथ नाच रहे हैं, किसी जगह गए वहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं, इंडिया आए तो यहाँ पे सूट वूट पहन के घूमेंगे, ये सारा इनको पहले से मीडिया बता के रखती है. इट इज़ ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड, इट इज़ ऑल परफॉर्म्ड, सारा वेल रिहर्स्ड होता है ये, और ये सारे मैसेजेस उनको मीडिया के थ्रू जाते हैं. उन्होंने उसमें रोटा सिस्टम बना रखा है, कोस्टर बना रखा है, सॉरी रोस्टर बना रखा है. इसमें क्या है कि उन्होंने कुछ अपने मेजर न्यूज़पेपर्स जो हैं चूज़ कर रखे हैं ऑल ओवर द कंट्री इंग्लैंड, एंड वो टर्न बाय टर्न उनको चांस मिलेगा ब्रिटिश जो रॉयल फैमिली है उनकी एक्टिविटीज़ को कवर करने का, एंड उसमें वो कुछ भी करवा सकती हैं इन रॉयल फैमिली से, ठीक है? तो कैसे, और इनको करना पड़ता है क्यों? बिकॉज जो ब्रिटिश, लाइक आई सेड, ब्रिटेन अभी भी, इंग्लैंड अभी भी जो है एक मतलब उस हेड ऑफ द स्टेट इज द किंग या क्वीन. तो
आज के टाइम में जब मोनार्की एज एन इंस्टीट्यूशन इट डज नॉट मेक सेंस टू अ मॉडर्न मैन टू हिज मॉडर्न सेंसिबिलिटीज, हाउ डू दे रिमेन रेलिवेंट इन दैट टाइम? उनको वो जो रेलिवेंस है वो ब्रिटिश मीडिया से मिल रहा है, तो वो ब्रिटिश मीडिया की कठपुतलियां हैं, ब्रिटिश मीडिया उनसे जो करवाता है उनको करना पड़ता है ताकि वो लोगों की नजर में बने रहे, मीडिया उनके बारे में इतना अच्छा लिखे कि लोग उनके बारे में नेगेटिव ना टर्न हो जाएं. सो इन ऑर्डर फॉर दीस द ब्रिटिश पीपल, द ब्रिटिश रॉयल पीपल टू रिमेन फेवरेट्स अमंगस्ट द ब्रिटिश जनरल क्राउड, दे हैव टू पास दैट लिटमस टेस्ट दैट द ब्रिटिश मीडिया सेट्स आउट फॉर देम. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग. यू गाइज कैन एक्चुअली गो एंड वॉच दैट डॉक्यूमेंट्री. तो मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस कैसे है, ये सारा कॉन्सेप्ट उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है लिया है. रानी सॉरी पानी नहीं है मेरे पास, अभी क्लास खत्म करके फिर पानी पीने जाऊंगी, ठीक है. तो ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, याद कर लो इसको, प्रोडक्शन सर्कुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन एंड रिप्रोडक्शन. इसमें जो है हॉल आर्ग्यू करते हैं दैट देयर आर थ्री पोजीशंस व्हेन पीपल डिकोड अ मैसेज. वंस एक मैसेज जो है मीडिया के थ्रू आप तक पहुंचा, वो आपके अंदर अब तीन तरीके के इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है, डोमिनेंट हेजीमोनिक पोजीशन, नेगोशिएटेड पोजीशन या ऑपोजिशनल पोजीशन. डोमिनेंट पोजीशन में जो है जब रिसीवर जो है उस मैसेज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करेगा, नेगोशिएटेड पोजीशन जब है जब उसका मिक्स रिएक्शन होगा उस चीज की तरफ, और ऑपोजिशनल पोजीशन जब रिसीवर जो है मैसेज को समझेगा लेकिन रिजेक्ट कर देगा, ठीक है. जैसे कि मैं आपको सपोज इलेक्शंस आने वाले हैं, ठीक है, अगले बार के, तो मोदी जी न्यूज़ में आते हैं और आपको बोलते हैं, आपके सामने हाथ जोड़ के आपके खड़े होते हैं, आपको बोलते हैं मैंने पिछले 10 सालों में जो देश में करके दिखाया है, आपसे पहले कभी नहीं किया गया, ये अभूतपूर्व काम. आप अगर अपने देश में आने वाले और सालों में भी देखना चाहते हैं तो इस बार भी जो है बीजेपी को भारी बहुमत से जो है भारत देश की मेजॉरिटी वो बनाई है, ठीक है. सो दिस इन दैट ऐसे ऐसे करके ऐड आती है. नाउ देयर विल बी पीपल, एवरीबडी इज लिसनिंग टू दैट ऐड, सम पीपल विल से ओ Yes, I am convinced, बिल्कुल मोदी जी ने जो करके दिखाया है वो तो अब से पहले इंडिया में हुआ ही नहीं है, इस बार भी मोदी जी को ही वोट देंगे. दूसरा बोलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्या बोल रहा है ये, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं किया है सरकार ने, मैं नहीं इनको वोट दूंगा, कोई और पार्टी को देखते हैं. तीसरा बंदा बोलेगा बात ठीक है, काम तो इसने बहुत किया है, लेकिन अगली बार ये वोट देने लायक है नहीं, ये भी बात समझ नहीं आ रही है. तो मोदी जी का जो आइडिया था वो आपको कन्विंस करना, एक जो मिडल वाला बंदा है उसको कन्विंस तो कर लिया, पर फिर भी अभी भी वो अपना एक्शन लेने को तैयार नहीं है, वो अभी भी रेडी नहीं है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है, वो नेगोशिएटेड पोजीशन है. तो आपकी ये तीन जो है पोजीशंस बन जाती हैं आफ्टर यू डिकोड अ मैसेज फॉर योर सेल्फ. इसी के साथ आज की क्लास को यहीं फिनिश करती हूँ, इस इंटरेस्टिंग क्लास को कल हम फिर से आगे जो है लेकर जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ गई है मैम फटाफट होमवर्क चेक करो, ठीक है. आई होप क्लास पसंद आ रही थी आपको, इंटरेस्टिंग लगा आज का टॉपिक, मुझे फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्लास इंटरेस्टिंग लगी आज की या नहीं लगी, हाँ फटाफट से बता दीजिए, ठीक है. हाँ जी, पहले तो मैं थोड़ा यहां क्लियर कर लूं ये क्या हो गया है. अरे यार नोट खोल लेती हूं, रुको, होमवर्क चेक करते हैं भाई, पिछली क्लास में किस किसने अपना होमवर्क किया है. नहीं आप लोग अपना पहले तो होमवर्क इस बार का लिखो, होमवर्क पहले तो लिखो, ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट के बारे में, ठीक है ना, ब्लैक आर्ट मूवमेंट के बारे में लिखो, क्या थी, कहां शुरू हुई, कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, इसके मेन टेनेंट्स क्या थे, इसके मेजर फॉलोअर्स क्या थे, What, where, when, why, who? ये सारे सवालों के जवाब जो हैं आपके आंसर्स में मुझे मिल जाने चाहिए, इसी को मैं कंप्लीट आंसर मानूंगी. आगे से मैं ये भी प्रैक्टिस शुरू करती हूँ कि सिर्फ जिसके आंसर्स मेरे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अच्छे होंगे या जो मैंने क्लास में आपको बोला था करना है उस हिसाब से करके अच्छे होंगे तभी मैं मार्क्स दूंगी, तभी आपको 5 स्टार मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा. इंटरेस्टिंग लगी क्लास सबको, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू. हाँ जी भाई नेट नहीं चल रहा,
रेंज नहीं आ रही है स्टूडियो में आज तो। होमवर्क नहीं चेक हो पाएगा क्या आप लोगों का? अरे यार मुझे खुद ही पर्सनली चैट खोल के आप लोगों को पर्सनल, नहीं नहीं खुल गया खुल गया खुल गया, रुकिए। यूजीसी नेट बहुत स्लो चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो। अच्छा हाँ फिर से बता रही हूँ, आज आखिरी मौका है 80% डिस्काउंट के लिए, आज रात तक ओनली। कोड U542 लगेगा, पहले Y542 लग रहा था सिर्फ, विन विन विंटर के लिए U542 लगेगा, ठीक है ना? इसको आप लोग जो है एनरोल कर लीजिए, अगर करना है तो आज रात में ही कर लेना। यार बहुत स्लो स्पीड आ रही है तो चल ही नहीं रहा है मेरा नेट, पर्सनली आप लोगों को चैट में कर दूंगी, ठीक है? पर्सनली सबको चैट में 5 स्टार्स भेजूंगी मैं आराम से आंसर्स पढ़ के, इसमें तो खुल ही नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, चलो इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर बीइंग विद मी। कल नहीं परसों इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को फिर से आगे लेके जाएंगे। आई एम योर गाइड फॉर इंग्लिश लिटरेचर प्रोफेसर ऐश्वर्या पुरी। आई विल सी यू गाइस लेटर, टेक केयर, बाय बाय।